आपको इस चैनल पे डिप्लोमा से रिलेटेड सारे अपडेट दिए जाएंगे, साथ में आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियोस प्रोवाइड की जाएगी एंड आपको प्लेसमेंट एग्जाम की स्ट्रेटेजी के बारे में समझाया जाएगा और भी बहुत कुछ। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में बेल आइकन को भी जरूर दबाओ ताकि फ्यूचर में आने वाले सारे अपडेट आपको मिल सके। सो हे गाइस, दिस इज आदर्श गुप्ता और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली पॉलिटेक्निक 2021 के लिए एंट्रेंस एग्जाम की जो बुक थी आपके किंग्स इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले स्टूडेंट, आज की जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम आपको ये बताएंगे कि आपको किंग्स इंडिया की बुक किस तरीके से डाउनलोड करनी है एंड उसके बाद हम बात करेंगे उस बुक के अंदर कौन कौन से कंटेंट है और आपको किस तरीके से वो सारे कंटेंट को पढ़ना है। तो सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से पीडीएफ को डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले देखिए आपको करना क्या है, मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दे रखी है, वो टेलीग्राम की लिंक है। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। देखो ज्वाइन करो या फिर मत करो, आपको वहां पे पीडीएफ तो मिली जाएगी, आपको वहां पे एक पीडीएफ होगा, आप उस वाले लिंक पे क्लिक करो, यानी कि जो टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है आप चाहो तो उस पे क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। टेलीग्राम चैनल पे पहुंचने के बाद वहां पे क्या होगा, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो किसको, अपनी पीडीएफ को। अब देखो मैं डायरेक्टली पीडीएफ की लिंक यहां पे क्यों नहीं दे सकता, यहां पे देखो बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। सबसे पहले जो 100 MB की जो आपकी पीडीएफ है उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको कंप्रेस करना पड़ेगा, कंप्रेस करने के बाद उसको ड्राइव में सेव करना पड़ेगा, देन उसकी लिंक यहां पे लगानी पड़ेगी। तो इससे बढ़िया मैंने टेलीग्राम का आपका दे रखा है, आप टेलीग्राम के लिए क्लिक करोगे और टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाओगे। टेलीग्राम पे ही मैंने आपका वो बुक की जो पीडीएफ है वो दे रखा है आपको, तो उसके ऊपर क्लिक करना है, फाइनली आपका जो था बुक वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यहां पे बुक डाउनलोड करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी वीडियो में थोड़ी देर और बने रहो क्योंकि मुझे आपको बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बतानी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप बुक डाउनलोड कर लेते हो तो बुक डाउनलोड करने के बाद यहां पे देखिए क्या होने वाला है। बुक डाउनलोड कर लेते हो तो उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कंटेंट के बारे में उसके, राइट। यहां पे देखिए कंटेंट के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि जो बुक है हमारी किंग्स इंडिया की उसका कंटेंट क्या है, यानी कि उसके अंदर क्या-क्या चीजें हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, यहां पे देखो मैंने आपको बता रखा कि बेस्ट बुक है, मेरी तरफ से है ये बेस्ट बुक है ना, हो सकता है कोई और आपको कुछ और सजेस्ट करे। तो यहां पे सबसे पहले आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहां पे देखो सबसे पहले आपको मिलेगा एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे आपको, यानी कि प्रीवियस ईयर के जितने भी एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चंस पेपर होंगे वो सारे ही प्रिंटेड फॉर्म में आपको वहां पे मिलेंगे एंड वहां पे आपको इसका आंसर भी मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे आपका 2016 हो गया, ठीक है, 2017 और 18, 19, मतलब ये सबका आपका क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। और 20 में आपको पता है कि आपका जो 20 था 20 में तो हुआ ही नहीं था, क्योंकि 2020 था, 2020 में तो एंट्रेंस एग्जाम हुआ ही नहीं था, मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था। और एक और चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जो आपका 2019 है, हो सकता है अगर उसमें 2019 का नहीं है तो 2019 के लिए मैंने एक अलग वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने आपको ये 2019 के रियल क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा रखी थी आपको, राइट। तो यहां तक क्लियर हो गया, तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा इस बुक में, एंट्रेंस एग्जाम क्वेश्चन पेपर फॉर प्रीवियस ईयर को। और यहां पे देखो नेक्स्ट आपका क्या था, नेक्स्ट हमारा सेकंड आपका मैथमेटिक्स, यानी कि यहां पे बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे आपके क्लास 10th है ना, क्लास 10th के बहुत सारे चैप्टर्स होंगे यहां पे, जैसे जितने भी चैप्टर्स होते हैं, जैसे आपको पता है कि आपका जो पहला चैप्टर था शायद वो रियल नंबर था, दूसरा पॉलीनोमियल था, तो इन सब का चैप्टर बना हुआ है, ठीक है, मेरा मतलब है इन सब के ऊपर एक-एक चैप्टर है आपका और इन चैप्टर्स के अंदर जो भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड है उनका इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। पहले तो आपको बता देंगे कि भाई इन पॉइंटों को आप ध्यान रखिए और बहुत सारे क्वेश्चन है, मतलब कि किसी किसी में आपके 30 से 40 क्वेश्चन है, किसी में 100 से 200 क्वेश्चन है, है ना, जैसे आपका ट्रिग्नोमेट्री हो गया तो ट्रिग्नोमेट्री में तो 100 से 200 क्वेश्चन दे रखे हैं शायद, और उसके बाद उसके अंदर आपको टिक मार्क के फॉर्म में ही दे रखा है और उसका जो आंसर है वो भी आपको बता रखा है किस तरीके से, और मेन बात ये है कि उसका हिंट भी दे रखा है। जैसे मान लो ट्रिग्नोमेट्री का कोई क्वेश्चन है, एक तो उसको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन के बाद उसको ये बता रखा है कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और उसके बाद ये भी बता रखा है कि जो जो मतलब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर कठिन है थोड़े, तो उसका कुछ उन्होंने हिंट भी दे रखा है, राइट। तो ये चीज तो आपको क्लियर होगी, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आपका मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन आते हैं, आप इस बुक से अगर ट्राई करते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में मिल जाते हैं, राइट। ये चीज तो क्लियर हो गई एंड यहां पे देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो यहां से आपको 95 क्वेश्चन मिलेंगे देखने के लिए अपने एंट्रेंस एग्जाम में, 95 ही होंगे ना, एक मिनट जोड़ लेते हैं, ये आपका 85 होंगे ना, एक मिनट ये गलत हो गया, 85। तो यहां पे आपको ध्यान देने वाली बात है ये है कि आपका साइंस से 85 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि यहां पे देख सकते हो फिजिक्स के कितने क्वेश्चन होंगे आपके, 40 क्वेश्चन होंगे, और यहां पे केमिस्ट्री के कितने होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। इन सबको मैंने और भी ब्रीफ में समझा रखा है, वीडियोस के जो लिंक है ना, इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक जो है वो सारा कुछ मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके वहां से वीडियोस को देख सकते हो। यहां पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं, बायो का देख सकते हो, बायो के आपके 15 क्वेश्चन होंगे। और एक और चीज ध्यान से सुनिए, मैंने आपको क्या बताया कि ये जितनी भी चीजें हैं, है ना, ये जितनी भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये देखो फिजिक्स का जो है आपका, इनके फिजिक्स के लिए एक अलग चैप्टर बना हुआ है, मैंने पूरा पोर्शन जो है
पूरा कंटेंट जो है हमारा फिजिक्स का, उसके अंदर आपके क्लास टेंथ का यानी कि क्लास टेंथ का सिलेबस पूरा दे रखा है। क्लास टेंथ का यानी कि क्लास टेंथ के जितने भी चैप्टर्स थे फिजिक्स सभी होंगे वहां पे, और सारी चीजें वहां पे डिटेल में एक्सप्लेन होगी। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो सेम इस तरीके से क्लास टेंथ का आपका केमिस्ट्री का भी होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे भैया नाइन्थ क्लास का कब मिलेगा हमें, तो यहाँ पे आप ध्यान से सुनिए। एंड आपका बायो का भी सेम इस तरीके से क्लास टेंथ का पूरा पोर्शन होगा। और यहाँ पे उसके बाद देखो अभी नाइन्थ के लिए मैं अभी आपको बताऊंगा, प्लीज आप वीडियो में बने रहना पूरा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये जितना भी मैंने आपको बताया ना क्लास टेंथ की पूरी मैथ आपको मिल जाएगी, और यहाँ से आपका साइंस का पूरा पोर्शन कवर हो जाएगा। इंग्लिश का पूरा पोर्शन आपका सबसे लास्ट में दे रखा है, यानी कि चौथे बारी में जो है आपका इंग्लिश है, यानी कि फोर्थ बारी में यानी कि जो चौथा कंटेंट है वो आपका इंग्लिश का कंटेंट है, उससे आपके 15 क्वेश्चन आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे देखिए सबसे नीचे अगर हम बात करें फिफ्थ नंबर पर आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लास नाइन्थ, यानी देखो क्लास नाइन्थ के बेस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी है, वो आपका पांचवें नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा आपको उसके अंदर, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में है आपका सेल्फ से करने के लिए कुछ सीरीज दी गई है, ये आपको खुद से ही करना है। और यहाँ पे लिख रखा है फोर फाइनल प्रैक्टिस, यानी कि फाइनल प्रैक्टिस के लिए। और यहाँ पे मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ ये पूरा क्लास टेंथ का सिलेबस था जितना भी मैंने आपको बताया, तो क्लास टेंथ के लिए आपको सारी चीजें क्लियर हो गई, यानी कि क्लास टेंथ तो आप इस बुक से पूरा कर सकते हो ठीक तरीके से। अब देखो रह गए नाइन्थ के बाद, तो नाइन्थ के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे हैं चैप्टर्स वाइज सब्जेक्ट वाइज, जैसे यहाँ पे मैथ हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री, ऐसे आपका कुछ भी जैसे यहां पे टेंथ के लिए क्लियर कर रखा है ना इस बुक में, ऐसे नहीं कर रखा, तो आपको नाइन्थ के लिए क्या करना होगा। तो यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे अगर मैं नाइन्थ की बात करूं तो आपको देखो मैं धीरे धीरे करके एक एक करके आपको नाइन्थ के लिए करने के वाला हूं। आपको नाइन्थ के लिए आपको खुद से यानी कि सेल्फ से यानी कि खुद से आपको क्या करना होगा, खुद से आपको पढ़ना होगा अपनी बुक से। बुक का मतलब समझ रहे हो ना भाई, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, एनसीईआरटी से आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा पहले एनसीईआरटी को ठीक तरीके से, एंड देन उसके बाद यहां से आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके बाद आप यहां पे आ सकते हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गई, जितनी भी चीजें थी वो सारी चीजें मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, और हो सकता है मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो इसी कंटेंट के ऊपर दोबारा लेके आऊं, राइट। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई जितनी भी चीजें मैंने बताई। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर की जो है आपका वो देगा आपको सबसे पहले, है ना, कंटेंट की अगर बात करें। और दूसरा आपका मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के 50 क्वेश्चन होते हैं, इसके अंदर क्लास टेंथ का पूरा कंटेंट है सही तरीके से। एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो यहाँ पे फिजिक्स का आपको देखने को मिलेगा, केमिस्ट्री के लिए और बायो के लिए पूरा कंटेंट होगा क्लास टेंथ का। और उसके बाद हमारा क्या होगा फोर्थ नंबर पे है आपका इंग्लिश, इंग्लिश के आपके 15 क्वेश्चन है टोटल इंग्लिश के। एंड देन उसके बाद हम अगर बात करें तो उसके बाद आप देख सकते हो फिफ्थ नंबर पे है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्लास नाइन्थ, यानी कि क्लास नाइन पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बेस्ड होंगे यहाँ पे, राइट। आप इस चीज को करो, उससे पहले आपको क्या करना है क्लास नाइन्थ की एनसीईआरटी की बुक सही तरीके से पढ़ लेनी है। एक रफ रजिस्टर बना लो, उसके अंदर पहला चैप्टर लिखो, जैसे चैप्टर नंबर वन, इसमें जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना उसको नोट डाउन कर लो। ये चीज क्लियर हो गई आपको। एंड देन उसके बाद यहां पे आप देख सकते हो, और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप सब मेरे को कमेंट में बताओगे क्या आपको क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर वन, जैसे कि आपका जो साइंस का होगा, क्या आपको उससे बेस्ड यानी कि उससे रिलेटेड आपको कोई नोट्स चाहिए। अगर आपको नोट्स चाहिए होगा तो प्लीज आप यस लिखिएगा कमेंट में, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा क्लास नाइन्थ की, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो ये बोले थे भैया प्लीज हमें क्लास नाइन्थ के बारे में बताओ कि हमें कौन कौन से कंटेंट बनने, तो मैं आपको नोट्स ही दे दूंगा ना, जैसे चैप्टर नंबर वन है तो मैंने उसका नोट्स दे दिया, चैप्टर नंबर टू है उसका नोट्स दे दूंगा इस तरीके से। और फिर उसके बाद आपका फाइनल क्या है सिक्स नंबर पर सेल्फ सीरीज आपको करनी है लास्ट में। तो ये चीज तो आपको क्लियर कर दी ना मैंने। अब देखो नाइन्थ में ही रुकावट आ रही है, तो हम नाइन्थ वाली जो चीज है उसको नेक्स्ट वीडियो में और भी ज्यादा क्लियर कर देंगे, लेकिन आपको कमेंट करना है कि भैया प्लीज आप नाइन्थ के लिए भी एक वीडियो बनाओगे, राइट। सो स्टूडेंट इसी के साथ हम वीडियो को खत्म करते हैं। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहां से आपको क्या करना है टेलीग्राम पे जाना है, टेलीग्राम से आप आराम से उसको डाउनलोड कर सकते हो, राइट। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हुई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज आप कमेंट जरूर करना मेरे को। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, तब तक के लिए ट्राई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।